हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 द फेस ऑन द वॉल, दीवार पे एक चेहरा का स्टोरी है जिसे इवी लुकास ने लिखा हुआ है। सेल्फ एक्सपीरियंस को बताते हुए कि कैसे जो है एक आदमी है एक पार्टी में मिलता है और एक सच्ची घटना अपनी बताता है, और बाद में जब वो उसकी घटना पूरी होती है तो बताता है कि मेरी स्टोरी में तीन बातें जो थी वो बड़ी विचित्र थी। वो कौन कौन सी बातें थी? पहली बात तो ये थी कि एक आर्मंड वॉल नाम का व्यक्ति था इसके बारे में वो खोजता है, उसका चेहरा उसे एक दीवार पर दिखाई देता है। दूसरी बात ये थी उसकी स्टोरी में कि कहीं ना कहीं जो था वो उस जो धब्बा था जो चेहरा था आर्मंड वॉल का वो वास्तविक आदमी से जुड़ा हुआ था। एक तीसरी बात खास क्या थी वो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसके बाद पता लगाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी द फेस ऑन द वॉल, दीवार पे एक चेहरा। ट्रुथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, जो सच है वो किसी कहानियों से उपन्यासों से बड़ा ही विचित्र या अद्भुत ही नहीं होता बल्कि आल्सो मोर इंटरेस्टिंग, बल्कि बहुत रोचक भी होता है। रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। आई वॉज स्टिल टिंगल विथ मोटिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डेबनीज लास्ट इवनिंग, कल शाम डेबनी के यहाँ होने वाले जो एक शर्मिंदगी वाला जो अनुभव था उससे मैं अभी भी स्टिंगल सहर जाता हूँ, कांप जाता हूँ। द ओनली सेटिस्फिकेशन बीइंग दैट, जो एकमात्र संतुष्टि है वो ये थी कि अदर टिंगल्स विद मी, कि जो दूसरे लोग थे वो भी मेरे साथ सहर जाते हैं, कांप जाते हैं। वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, हम लोग जो हैं सुपर नेचर अलौकिक बातें के बारे में बात कर रहे थे, या दैट अनप्रॉफिटेबल, जो कि लाभकारी तो नहीं थी बट एंडलेसली एलिविंग थीम एंड मोस्ट ऑफ अस हैड सिटेड एन इंस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन कभी खत्म ना होने वाली वो मनोहर बातें थी, उनकी जो थीम थी मनोहर थी। एंड हम में से जो अधिकतर थे, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोगों ने हैड स्टडीड एन इंस्टेंस, कोई ना कोई एक उदाहरण भी पेश किया, विदाउट हाउएवर, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, हालांकि इसने कोई ज़्यादा असर नहीं किया या ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला। अमंग द स्ट्रेंजर टू मी, मेरे और उन अजनबियों के बीच वाज अ लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी था विद एन अनकॉन्शियस वाइट फेस, ठीक है ना, एक सफ़ेद भूरे चिंतित चेहरे के साथ, होम जिसको रेडसन वाइट हैड ब्रॉट, रेडसन वाइट नाम का व्यक्ति लेके आया था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन, और वह हर एक वक्ता को, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से देखता था। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहता था। देन डेबनी विशिंग टू इंक्लूड हिम इन अ टॉक, तब डेबनी ने उसे परिचर्चा में इंक्लूड शामिल करने की इच्छा से टर्न टू हिम, उसकी ओर मुड़े एंड आस्क, और उससे बोले इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस टू रिलेट, क्या उसके पास इससे संबंधित कोई अनुभव नहीं है। नो स्टोरी दैट कंटेन एन इन एक्सप्लाइकेबल एलिमेंट, और क्या उसके पास कोई ऐसी स्टोरी भी नहीं है जिसमें कि कुछ ऐसे रहस्यमय तत्व हों। ही थॉट अ मोमेंट, उसने एक पल के लिए सोचा। वेल ही सेड, उसने कहा, नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, उसने कहा साधारण शब्दों में कहने लायक कहानी नहीं है। नथिंग दैट इज फ्रॉम हेयर से, ना ही ये कोई हेयर से गप है।
लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों के उदाहरण थे, ऐसी कोई ना कोई गप है ना ही कोई साधारण कहानी है, ट्रुथ सच है। आई ऑलवेज होल्ड, मैं हमेशा ये मानता हूँ जो सच है इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर, ये बड़ा विचित्र ही नहीं होता देन फिक्शन किसी कहानियों से, बट आल्सो बल्कि वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक भी होता है। उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि जो सच है वो न केवल किन्हीं कहानियों से बड़ा विचित्र होता है, अद्भुत होता है, बल्कि बहुत रोचक भी होता है। आई कुड टेल यू एन ऑकरेंस, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एक ऑकरेंस एक घटना के बारे में बताता हूँ, विच हैपन टू मी पर्सनली, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से घटित हुई, एंड विच ऑडली इनफ कम्प्लीटेड इट सेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और जो बड़े विचित्र ढंग से, ठीक है ना, बड़े विचित्र ढंग से आज दोपहर ही पूरी हुई है। बी बैग्ड हिम टू बिगिन, हमने उससे क्या कहा, शुरू करने के लिए कहा। अब कहानी शुरू होती है। ईयर और टू एगो, एक या दो साल पहले, ही सेड, उसने कहा कि एक या दो साल पहले, आई वॉज इन रूम्स इन ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबर्न साइड, हॉलबर्न साइड के जो ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट थी उसके हॉलबर्न साइड में जो पुराने घर थे उनके एक रूम में मैं रहता था। द बेडरूम वॉल हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय अ प्रीवियस टेनेंट, जो बेडरूम की दीवारें थी उनको एक पिछले किराएदार के द्वारा, प्रीवियस टेनेंट के द्वारा डिस्टेम्पर्ड पुताई कराई गई थी, बट लेकिन द प्लेस वॉज डैम्प, एक स्थान में क्या थी, नमी थी, एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन, और जो रंग उड़ जाने के बहुत सारे बड़े बड़े धब्बे थे, हैड ब्रोकन आउट, वो उभर आए थे। वन ऑफ दीज हैज एज इंडीड ऑफन हैपन्स, उनमें से जो एक धब्बा था जैसा कि हमेशा होता है, वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस, वो बिल्कुल मानव के फेस के जैसा था, आदमी के फेस के जैसा था, बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी, लेकिन उस सामान से कहीं अधिक स्पष्ट और वास्तविक था। लेइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग, पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, सुबह बिस्तर पर पड़े पड़े उठने को टालते हुए, पुटिंग अप मतलब टाल देना, गेटिंग अप मतलब उठना, ठीक है। आई यूज टू वॉच इट, मैं से देखता रहा, एंड वॉच इट और देखता रहा उस धब्बे को, एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लॉजर, ठीक है ना, और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने इसे अपने उसे वास्तविक रूप में सोचना शुरू कर दिया जैसे कि मेरा साथी किराएदार था उसे सोचता था। इन फैक्ट असल में द ऑड थिंग वाज दैट व्हाइल द पैचेस ऑन द वॉल ग्रू लार्जर एंड चेंज देयर कंटर, ठीक है ना, कि सबसे ऑड एक विचित्र बात थी, अलग बात थी, वो ये थी कि सारे धब्बे थे दीवार पर वो बड़े हो रहे थे और अपनी आकृति को, काउंटर्स को बदल रहे थे। दिस नेवर डिड, लेकिन ये जो धब्बा था इसने ऐसा नहीं किया, इट रिमेन आइडेंटिकली द सेम, और ये हूबहू वैसा ही बना रहा। वाइल देयर, जब वहाँ पर आई हैड अ वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, वहाँ पर मुझे क्या है, सर्दी का एक बुरा दौरा पड़ा, विथ कॉम्प्लिकेशन और बड़ी उलझन के साथ में, एंड ऑल डे लॉन्ग और पूरे दिन भर, आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और मेडिटेशन, मेरे पास पढ़ने और ध्यान करने के अलावा कुछ नहीं था। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी, और उसी समय जो चेहरा था उसने शुरू कर दिया टू गेट फर्मर होल्ड, मुझ पर एक मजबूत पकड़ बनाना
उसी समय उस चेहरे ने मुझ पर एक मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दिया। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। यह जो था वो और अधिक कैसा वास्तविक और अद्भुत होता गया। आई मे से मैं कह सकता हूँ कि इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट। ये मेरे विचारों में दिन रात डोमिनेटेड छाया रहता था। देयर वाज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज। उसकी नाक में एक रोचक मोड़ थी। एंड द स्लेंट ऑफ द फोरहेड वाज यूनिक। उसके चेहरे का, उसके जो माथे का स्लेंट था, झुकाव था, वो भी यूनिक था। इट वाज इन फैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी। असल में ये ऐसा पूरी एक विशेषता से भरा हुआ था। द फेस ऑफ अ मैन, एक आदमी का जो चेहरा है वो अलग होता है अ मैन इन अ थाउजेंड। ठीक है ना, हजारों आदमियों में एक आदमी का या अलग अलग आदमियों का चेहरा अलग होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो था वो उस विशेषताओं से भरा हुआ था। वेल आई गो गॉट बेटर, मैं ठीक हुआ। बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, लेकिन उस फेस ने मुझ पर नियंत्रण बनाए रखा। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट फॉर वन लाइक इट। और मैंने पाया कि मैंने खुद को गलियों में, स्ट्रीट में उसके जैसे को या उस चेहरे के जैसे को ढूंढते हुए खुद को पाया कि मैं जो है उसे ढूंढने लगा। तो यूँ कह सकते हैं कि मैं गलियों में उस चेहरे को ढूंढने लगा। समवेयर आई वाज कन्विंस्ड, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि समवेयर द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, कि कहीं ना कहीं वह वास्तविक आदमी है। एंड हिम आई मस्ट मीट, और वह मुझसे मिलना चाहता है या मुझे उससे मिलना है। वाई आई हैड नो, क्यों आई हैड नो नोशन, मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं कि ऐसा क्यों। आई ओनली न्यू दैट, मैं केवल यही जानता था कि ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट, कि वह और मैं जो है वो किसी ना किसी प्रकार भाग्य से लिंक जुड़े हुए हैं। आई फ्रिक्वेंटेड, मैं जाने लगा कहाँ, प्लेसेस, उन जगहों पर वेयर मैन कॉन्ग्रेगेटेड, जहाँ पे जो लोग थे इकट्ठे होते थे इन लास्ट नंबर, बड़ी संख्या में, जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग, राजनीतिक मीटिंग्स जो थी, फुटबॉल मैच जो थे, द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जहाँ या जब द सुवर्ण ट्रेन, जो उपनगरीय ट्रेनें थी, पोर फोर्थ ले जाती थी देयर लेगिंग्स अपने यात्रियों को ऑन द सिटी, शहर के, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और शाम के वक्त उन्हें छोड़ जाती थी। मैं उन रेलवे स्टेशन में भी जाने लगा जहाँ पे उपनगरीय ट्रेनें जो थी अपने यात्रियों को सुबह ले जाती थी और शाम के वक्त छोड़ जाती थी। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज, मैंने इसके पहले ये कभी महसूस नहीं किया कि आई देन डिड, जो अभी किया था, कि हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन, कि आदमियों के कितने अलग अलग चेहरे होते हैं। देर आर एंड हाउ फ्यू, और कितने कम होते हैं। फॉर ऑल डिफरेंट, इसके लिए एंड डेट, और अभी भी, क्लासीफाइड दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप, एज कि उन्हें आप जो है कई समूहों में क्लासीफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यू काउंट ऑन योर हैंड, और उन्हें अपने हाथों से गिन सकते हैं। द सर्च बिकम अ मैनिया विद मी, जो एक खोज थी वह मेरे लिए एक पागलपन या सनक बन गई, मैनिया बन गई। आई नेगलेक्ट एवरीथिंग एल्स, मैंने हर चीज की उपेक्षा कर दी। आई स्टूड एट विजी कॉर्नर्स, मैं जो था वो व्यस्त नुकड़ों पे खड़ा रहता, वॉचिंग द क्राउड, भीड़ को देखता रहता। अनटिल पीपल थॉट मी क्रेजी, जब तक कि लोग मुझे जो है पागल नहीं समझने लगे, मैं नुकड़ों पे खड़ा रहता और भीड़ को देखता रहता। एंड द पुलिस बिगिन टू नो मी, पुलिस भी जो थी अब मुझे जानने लगी थी। एंड बी सस्पिशियस, और मुझ पर शक करने लगी थी। वीमन आई नेवर ग्लांस एट, जो महिलाएं थी उनको तो मैंने देखा ही नहीं। मैन मैन एंड मैन ऑल द टाइम, मैं पूरे समय
आदमी आदमी और आदमी को देखता था। ही पास हिज हैंड वियरली ओवर हिज ब्रो, उसने अपने हाथ को अपने जो ब्रो थी माथे पर फेरा या थकान के साथ में पास फिराया। एंड देन और उसके बाद ही कंटिन्यू आगे बोला, एट लास्ट आखिर में आई सा हिम, मैंने उसे देख लिया उस आदमी को। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकाडिली, कि वो मैंने देखा कि वह टैक्सी को पूर्व की ओर पिकाडिली की तरफ जो था ड्राइविंग कर रहा था। आई टर्न एंड रन बिसाइड इट, मैं मुड़ा और उसकी तरफ भागा। फॉर अ लिटिल वे, कुछ दूरी तक। एंड देन सा अ एम्प्टी वन कमिंग, और मैंने देखा कि दूसरी जो है एक खाली जो टैक्सी है वो आ रही है। फॉलो दैट टैक्सी आई गेस्ट, मैंने हाँपते हुए कहा कि उस टैक्सी का पीछा करो। एंड लेट इन, और उसके अंदर कूद गया। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइड, जो ड्राइवर था टैक्सी का उसने भी उस पर जो नज़र थी उसे बनाए रखी। एंड इट टुक अस टू चैरिंग क्रॉस, और ये हमें चैरिंग क्रॉस ले गया। आई रस्ट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। एंड फाउंड माई मैन विथ टू लेडीज एंड अ गर्ल, ठीक है ना, एंड अ लिटिल गर्ल, और मैंने अपने आदमी को दो महिलाओं और एक बच्ची के साथ में पाया। दे आर गोइंग टू फ्रांस बाई द 2:20, वो लोग 2:20 या 2:20 पे फ्रांस जा रहे थे। आई हैंग अबाउट टू ट्राई एंड गेट अ वर्ड विद हिम, मैं वहीं आसपास मंडराता रहा, हैंग है ना, और उससे गेट अ वर्ड बात करने की कोशिश करता रहा। बट इन वैन, लेकिन सब कुछ बेकार रहा, व्यर्थ रहा। अदर फ्रेंड हैड जॉइन द पार्टी, उस दल के साथ दूसरे जो दोस्त थे वो भी जुड़ गए। एंड दे मूव टू ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वो एक समूह में ट्रेन से चले गए। आई हैस्टली परचेज अ टिकट टू फॉल्कस्टोन, मैंने फौरन ही हैस्टली तत्काल ही फर्स्ट फॉक्सटोन की टिकट को परचेज किया, खरीदा। होपिंग, ये आशा से कि आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट्स सेल्ड, कि मैं उस आदमी को या उसे जहाज के रवाना होने से पहले ही पकड़ लूँगा, मिल लूँगा। बट एट फॉक्सटोन, लेकिन फॉक्सटोन पर ही गॉट ऑन द बोट बिफोर मी, वह मेरे पहले ही उस जहाज पर चढ़ गया। विज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। एंड दे डिसअपीयर इन टू अ लार्ज प्राइवेट सैलून, ठीक ना, और वो एक बड़े से जो वो प्राइवेट सैलून था, बड़ा कमरा था, उसमें अदृश्य हो गए। सेवरल केबिन्स थ्रोन इन टू वन, बड़े बड़े कमरों को मिलाकर जो एक सैलून एक बड़ा कमरा बनाया था उसमें वो लोग चले गए। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, स्पष्ट रूप से वह एक कैसा था, धनवान व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था। यह था हमारा पार्ट वन, कैसे जो व्यक्ति है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है अभी तक, कि जब वो ग्रेट अर्बन स्ट्रीट में एक पुराने कमरे में रह रहा था तो उसकी दीवार में एक धब्बे थे, उस धब्बे में उसको एक चेहरा दिखाई देता है जो बिल्कुल मानव के चेहरे से हूबहू मिलता है। उसने बोला कि वो चेहरा या वो धब्बा जो है मुझ पर गहरी पकड़ बनाता गया, और धीरे धीरे मैं या मुझे यकीन हो गया कि ऐसी शक्ल का कोई वास्तविक व्यक्ति है, और वो और मैं दोनों ही भाग्य से जुड़े हैं, हम दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए मैं या वह आदमी जो है उस चेहरे वाले आदमी को ढूंढ लेता है, कई व्यस्त जगहों पे जाता है, और आखिरकार एक दिन उसे वह आदमी दिख जाता है, उसका पीछा करता है। तो वो लोग फ्रांस के लिए निकलते हैं, वो लोग फॉल्कस्टोन जाते हैं एक जहाज में, और जो ये आदमी है ये भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। फिर आगे क्या होता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।